2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में दो गोल्ड मेडल्स, 2018 एशियन गेम्स मेडलिस्ट, 2016 साउथ एशियन गेम्स में तीन गोल्ड। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। प्रधानमंत्री जी के इसी आवाहन और देश के हर युवा की आकांक्षाओं की प्रतिनिधि हैं ITTF Breakthrough Star Award जीतने वाली पहली भारतीय मनिका बत्रा। 4 साल की उम्र में पहली बार टीटी रैकेट हाथ में थामने वाली मनिका ने टेबल टेनिस को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। अपनी स्विच टेक्निक से मनिका 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान इंडिविजुअल कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। रिप्रेजेंटिंग इंडिया, मनिका बत्रा। एशियन ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में परफॉर्म करके मनिका ने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। जो टॉप स्कीम इनिशिएटिव ये शुरू किया है, बहुत सारी चीजें मिलने लगी हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमें प्रोवाइड करती हैं, प्लेयर्स को बहुत हेल्प मिल रहा है इससे, एंड फ्री माइंड से हम खेल सकते हैं, कहीं भी टूर्नामेंट जा सकते हैं, एंड दे आर देयर फॉर अस। ओलंपिक्स में भारतीय टेबल टेनिस को नई पहचान और देश भर की लड़कियों को प्रेरणा देने वाली मनिका बत्रा है 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा।